सरकार के साथ मिलकर करें ये काम और कमाएं अच्छी इनकम दोस्तों आज जिस बिजनेस आइडिया की बात मैं करने वाला हूं वो पहले से ही कुछ लोग कर रहे हैं और अच्छी इनकम कर रहे हैं इस वीडियो में जानिए कि इस बिज़नेस को करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा और सरकार के साथ मिलकर आप कैसे इसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे अच्छा इनकम कर सकते हैं दोस्तों जब से सरकार ने डीजल और पेट्रोल से चलने वाले गाड़ियों के लिए पी सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया है तब से अगर कोई बिना पी सर्टिफिकेट पकड़ा जाता है तो भारी जुर्माना भरना पड़ता है इसलिए इसकी जरूरत तो सभी को है जो भी पेट्रोल या डीजल की गाड़ियाँ यूज करते हैं तो इसी पी सर्टिफिकेट को जारी करने का काम जो है आप कैसे करेंगे कैसे लाइसेंस लेंगे और काम कैसे शुरू करेंगे इसी की बात इस वीडियो में हम कर रहे हैं तो दोस्तों ये कोई कोई भी इंसान कर सकता है बहुत सिंपल सरल सा प्रोसेस है स्टार्ट करने का सबसे पहले जिन्हें अब तक नहीं पता है कि पीयूसी सर्टिफिकेट क्या होता है तो उन्हें बता दूं कि नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी वाहन चालक के पास वाहन चलाते समय गाड़ी की आरसी, गाड़ी का इंश्योरेंस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ ये पीयूसी सर्टिफिकेट भी रखना बहुत ज़रूरी है अगर आपके पास ये पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो एक हज़ार से लेकर दस हज़ार तक का चालान आपका कट सकता है पी का फुल फॉर्म क्या होता है वो भी जान लीजिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ये सर्टिफिकेट इस बात की पुष्टि करता है कि आपके वाहन से जो धुआँ निकल रहा है वो सरकार द्वारा निर्धारित प्रदूषण मानकों को पूरा करता है या नहीं करता है तो अगर आप पी सर्टिफिकेट बनाने का लाइसेंस लेकर पी सर्टिफिकेट बनाने का काम स्टार्ट करते हैं तो आपके आ, मतलब आपको अगर देखा जाए कि इसमें स्कोप कितना है तो वर्तमान में भी इसका अच्छा खासा स्कोप है और आने वाले समय में भी आपको इस फील्ड में अच्छा खासा स्कोप देखने को मिलेगा आपको बताऊं कि इससे इनकम अच्छा आपका होगा क्योंकि दो पहिया गाड़ी से लेकर चार पहिया हो या जितने भी पहिए वाले गाड़ी हों जो कि पेट्रोल या फिर डीजल से चलते हैं उन सबको पी सर्टिफिकेट बनवाना ही होता है और इसकी एक वैलिडिटी भी होती है दिल्ली जैसे शहर में तीन महीना दूसरे शहर में छः महीना या फिर एक साल इस तरह की वैलिडिटी होती है जिसके बाद फिर से ही सर्टिफिकेट बनवाना होता है तो लोग आपके पास आएंगे ही तो काम रेगुलर आपका चलता ही रहेगा ऐसा नहीं है कि काम जो है आपका नहीं चलेगा कभी चलेगा कभी, चलेगा, कभी नहीं चलेगा ऐसा नहीं है रेगुलर काम आपका चलता रहेगा क्योंकि लोग रेगुलर आपके पास आते ही रहेंगे इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगता है लेकिन कमाई की बात करें तो पहले दिन से आप अच्छा खासा इनकम करना शुरू कर सकते हैं तो कौन कौन खोल सकता है इसे तो अगर कोई दसवीं पास है या उससे ऊपर का पढ़ाई उस किसी ने किया हुआ है तो वो इंसान जो है इसे खोल सकता है और एक्स्ट्रा कोई आपको मैकेनिकल डिग्री या कुछ आईटीआई डिग्री कुछ डिग्री नहीं चाहिए बस आपको गाड़ियों की जो व्यवहारिक ज्ञान है वो होना चाहिए और अगर उतना भी नहीं जानते हैं तो दो चार दिन एक हफ्ता लगा लीजिए और वो ज्ञान जो है वो आप पहले जो थोड़ा सा गेन कर लीजिए वो ज्ञान पा लीजिए सीख लीजिए समझ लीजिए जानकारी प्राप्त कर लीजिए उसके बाद इस बिज़नेस को आप स्टार्ट कीजिए इसमें मैकेनिक टाइप का, का काम करना नहीं होता है बस गाड़ी के साइलेंसर में एक पाइप आपको लगाना होता है जो मशीन से कनेक्टेड होता है और वो मशीन ही हर चीज़ की जांच करती है और मशीन के डिस्प्ले में सब शो कर देती है इस मशीन को तीस हज़ार से चालीस हज़ार में भी आप ख़रीद सकते हैं या फिर चाहे तो दो लाख ढाई लाख में भी ये मशीन मिलती है आप उतना भी इन्वेस्ट करके खरीद सकते हैं खैर तो कहने का मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट है जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ इस मशीन में ही ज़्यादातर आपको मेन जो खर्चा है वो करना है लेकिन ये मशीन आप जहाँ से ख़रीदेंगे वो मशीन कहाँ से ख़रीदनी है वो भी बताता हूँ और किस तरह वाला मशीन ख़रीदना है देखिए मशीन ख़रीदनी है तो ए आर ए आई अप्रूव्ड होना चाहिए यानी जो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे लिस्टेड है वहीं से आपको मशीन ख़रीदनी है अदर कहीं और से मशीन जो है नहीं ख़रीदनी है और जहां से आप मशीन जब ख़रीदेंगे तो वो लोग जो हैं वो आपको वहां पे बता देंगे अगर आप वहाँ पे पर्सनली जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑपरेट कैसे करना है वो बता देते हैं और अगर नहीं जाते हैं तो वो लोग अपना जो है वो भेजते हैं डाप ता स्टाफ ताकि वो आकर आपको इसे ऑपरेट कैसे करना है वो बता दे तो वो आपको आके दिखा देते हैं अब बेस्ट लोकेशन कौन सा होना चाहिए इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी जगह चाहिए इसके बारे में बात करते हैं तो लोकेशन की अगर बात करें तो देखिए वर्कशॉप ऑटोमोबाइल जो वर्कशॉप होते हैं जो पेट्रोल पंप हैं या फिर हाईवे वगैरह जो है इनके किनारे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं ये बेस्ट लोकेशंस माने जाते हैं क्योंकि गाड़ियों का हर वक्त आना जाना जो है वो लगा रहता है ऐसे जगहों पे, ऐसे लोकेशंस पे। और जगह की अगर बात करें तो केवल दो मीटर की जगह पर भी आप इसे खोल सकते हैं ज़्यादा जगह भी नहीं चाहिए होगा अप्लाई कैसे करना है तो देखिए अप्लाई करने के लिए जो है आपको पी यू सी परिवहन डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पर वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे आपको इसकी सारी जानकारी भी मिल जाएगी आप इसे इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं